हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक जेएस प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट दो से तीन वीडियो में फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे, तो फ्रिक्शन का काफी पोर्शन कवर कर दिया गया था। जो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन के लिए, वह है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि आज क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सर देखे थे कि घर्षण क्या होता है, तो घर्षण बताया गया था कि किसी रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस पे कोई ब्लॉक या पिंड जैसे चल रहा है तो वह चलता, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं या सड़क पे चलते हैं तो घर्षण की वजह से ही चला जाता है। घर्षण से चलना आसान हो जाता है। घर्षण से जैसे कन्वेयर बेल्ट समझ सकते हैं, पुली पे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जब मशीन चलता है तो वह भी घर्षण की मदद से या घर्षण की सहायता से ही चलता है। यहाँ पे आज का टॉपिक है घर्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण के क्या क्या लाभ हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहला है घर्षण के कारण ही चलना संभव है। रोड पर हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से हमारे पैर और सड़क के बीच जो कांटेक्ट बन रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम आसानी से नहीं चल पाएंगे और हमारी स्पीड जो गति होगी चलने की वो भी कम रहेगी। तो पहला फायदा यह हो गया घर्षण का कि घर्षण की वजह से चलना आसान है, संभव है। दूसरा हो गया ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि अतीत काल में क्या होता था, आदिमानव जब रहते थे तो उस समय आग की व्यवस्था नहीं थी, तो दो पत्थर को आपस में लोग रगड़ते थे तो वहाँ भी फ्रिक्शन होता था, वहाँ भी घर्षण होता था। तो दो पत्थरों के घर्षण के कारण वहाँ चिंगारी निकलती थी जिसका उपयोग लोग आग लगाने में या किसी चीज़ को जलाने में करते थे। तो उष्मा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा हो गया कार बस मोटर में ब्रेक आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे हम साइकिल से चल रहे हैं, अगर वहाँ पे देखते हैं कि पहिए के बीच एक रबड़ लगा होता है जिसको हाथ से हम लोग एक हैंडल के किनारे एक रॉड होती है जिसको हम लोग हाथ से दबाते हैं तो पहिया दबता है। पहिया किससे दबता है, पहिया रबड़ के बीच कह सकते हैं कि घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से पहिया रुक जाता है। ऐसे ही गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, किसी भी मोटर बाइक में बस में ब्रेक लगाने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो घर्षण विधि होती है। घर्षण की वजह से गाड़ी एकदम से रुक जाती है। चौथा हो गया माचिस की तीली जलाने में। जैसे आपको पता होगा कि माचिस में क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है, तो वहाँ पर तीली उस डिब्बे पर हम लोग ऐसे करके घर्षण करते हैं तो घर्षण की वजह से वहाँ आग पैदा होती है। तो वहाँ भी कारण क्या है, घर्षण का ही है। तो माचिस की तीली जलाने में। और पाँचवा है घर्षण के बिना बेल्ट से मशीन को चलाया नहीं जा सकता। जैसे अभी हम पीछे बात कर चुके हैं कि कन्वेयर बेल्ट को जब पुली की सहायता से किसी मशीन को चलाया जाता है तो वह एक घर्षण ही माध्यम है जिसकी वजह से मशीन चलता है। अगर घर्षण नहीं रहता तो कन्वेयर बेल्ट से हम किसी मशीन को नहीं चला सकते हैं। तो यह चार पांच लाभ है घर्षण के जो दैनिक जीवन में हम लोग देख सकते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, घर्षण के कारण चलना आसान है, हम लोग रोड पे टहलते हैं चलते हैं तो वह एक घर्षण ही माध्यम है जो हमारे पैर को मूवमेंट प्रदान करता है। दूसरा हो गया उष्मा उत्पन्न करने के लिए। जैसे बताया गया था कि किसी भी चीज़ को आपस में रगड़ दे, जैसे हाथ को ऐसे रगड़ेंगे कुछ समय के लिए तो हाथ भी गर्म हो जाता है, तो वहाँ भी क्या है, घर्षण की वजह से उष्मा पैदा हो रही है। तीसरा हो गया कार बस मोटर ब्रेक मोटर इत्यादि में ब्रेक लगाने के लिए। तो किसी भी मोटर बाइक कार या बस कुछ भी हो गया तो उसमें ब्रेक हम लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है। तो गाड़ी रुकने का पर्पज ये है कि पहिए और जिसके माध्यम से पोल शू के माध्यम से हम ब्रेक लगाते हैं तो दोनों के बीच घर्षण होता है। तो घर्षण हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है, तो वो गाड़ी हमारी रुक जाती है। चौथा हो गया माचिस की तीली जलाने में। जैसे बताया गया कि माचिस की तीली हम उस डिब्बे पे बार बार ऐसे रगड़ते हैं तो वहाँ आग पैदा होती है, तो यह भी क्या है, घर्षण के कारण ही है। और पाँचवा है घर्षण के बिना बेल्ट से मशीन को चलाया नहीं जा सकता। मशीन को चलाने के लिए कन्वेयर बेल्ट और पुली की सहायता से मशीन को चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण से हानि। तो इसके पहले बताया गया था आपको कि घर्षण से कुछ लाभ है तो घर्षण से कुछ हानि भी है। जैसे हम देख सकते हैं कि मशीन की दक्षता कम हो जाती है। मशीन की दक्षता कैसे कम होगी, जैसे जो मूविंग पार्ट, जिस मशीन में मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, बाकी कोई इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, कोई भी मशीन हो गया, तो उसमें मूविंग पार्ट है तो वहाँ पे शाफ्ट और उस मशीन के रोटर स्टेटर के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण की वजह से उसके भाग पार्ट क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी और दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है।
तो दक्षता कम होने का कारण क्या है? घर्षण। सेकंड है, मशीन की पुर्जे घिसकर जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे शाफ्ट पर हम बियरिंग लगाते हैं तो शाफ्ट और बियरिंग के बीच बराबर घर्षण होता है, तो उस घर्षण से क्या होता है, जिन मटेरियल जिन धातुओं के बीच घर्षण होता है वह घिसने लगता है और कुछ समय बाद वो घिस के खराब हो जाता है, तो उसे बदलने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ मटेरियल या धातु के खराब होने का कारण क्या है? घर्षण। तीसरा है, तेज हवा के विरुद्ध चलने में समस्या होती है। जैसे कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि बहुत तेज हवा चल रही, आंधी आ रही है, उसी की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। उसके डायरेक्शन में चलेंगे तो बहुत आसानी से चलेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध चलेंगे तो हमारी स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो वहाँ भी कारण क्या है? घर्षण का। और चौथा है, बालू या रेत पर चलने में समस्या होती है। कभी कभी रेगिस्तान पे लोग चलते हैं तो पैर बहुत धीरे धीरे उनका आगे बढ़ता है, तो वहाँ क्या है, अत्यधिक घर्षण की वजह से हमारा पैर उस स्पीड से नहीं चल पाता जिस स्पीड से चलना चाहिए। तो ये सब घर्षण के क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमाइजिंग ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के उपाय। तो घर्षण को एकदम से हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, इसको कम किया जा सकता है। घर्षण जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जिस सरफेस पे हम चलते हैं, किससे कांटेक्ट स्पर्श कर रहा है या किससे टच कर रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम सतह को, अगर खुदरा सतह होगा तो वहाँ घर्षण अधिक होगा, स्मूथ होगा तो कम होगा, लेकिन घर्षण एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको कुछ विधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके, कुछ विधि से प्रयोग करके हम क्या करते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे तेल या ग्रीस का प्रयोग करके, तेल या ग्रीस का प्रयोग कर, जैसे बियरिंग हम लगाते हैं शाफ्ट पर, तो बियरिंग पे क्या करते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि शाफ्ट और बियरिंग के बीच जो घर्षण हो वह कम हो। यहाँ साबुन के घोल का उपयोग करके, यह भी एक अच्छी विधि है घर्षण को कम करने के लिए। तीसरा हो गया पाउडर का उपयोग करके, जैसे आप लोग घर पे कैरम खेलते होंगे तो कैरम का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड पे भी हम क्या करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं। और चौथा हो गया पॉलिश द्वारा, पॉलिश के द्वारा भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुब्रिकेंट स्नेहक, जैसे वनस्पति तेल या कह सकते हैं ग्रीस, इन सब का खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, ये सब लुब्रिकेंट कहलाते हैं। लुब्रिकेंट या स्नेहक होता क्या है, बियरिंग इत्यादि को खराब होने से बचाने के लिए तथा उसकी उम्र बढ़ाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट या स्नेहक। जैसे ग्रीस हो गया, वनस्पति तेल हो गया, तो ग्रीस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बियरिंग पे करते हैं। तो ये सब क्या है, स्नेहक है। स्नेहक तीन प्रकार के होते हैं, उसकी अवस्था के आधार पर स्नेहक को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे द्रव स्नेहक, द्रव स्नेहक जैसे वनस्पति तेल हो गया, खनिज तेल हो गया। दूसरा हो गया अर्ध ठोस स्नेहक, जिसे कहते हैं हाफ सॉलिड लुब्रिकेंट। हाफ सॉलिड लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रीस। और तीसरा हो गया सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसे कहते हैं ठोस, यह होता है CI। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो से संबंधित अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।